उर्दू रीडिंग करेंगे और आज का जो हमारा पहला हरफ है वो है दा द। दा द, दाल की आवाज क्या है? दा द। और आपको सबसे पहले तस्वीर जो नजर आ रही है वो है दरवाजा। दा द दरवाजा। दरवाजे का इस्तेमाल कमरे को महफूज करने के लिए किया जाता है। कोई भी कमरा, कोई भी इमारत दरवाजे के बगैर अधूरी है। और दरवाजे की दो इकसाम है। कुछ दरवाजे लोहे के होते हैं, कुछ दरवाजे लकड़ी के होते हैं। इज इट ओके? अब अगली जो हमारी दूसरी तस्वीर है वो है दाल दा दरख्त। दाल दा दरख्त। दरख्त दो रंगों में होता है। एक नीचे वाला जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है वो होता है ब्राउन कलर का, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है ग्रीन कलर का। और ये लकड़ी जो मतलब दरख्त जो होता है वो हमें ऑक्सीजन देता है, और इसकी जो छांव होती है वो ठंडी होती है। और ये क्या है? दाल दा दरख्त। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो है दाल दा दवात। दवात उसको उर्दू में बोलते हैं स्याही। जो स्याही होती है वो पहले जो अब तो हम पेन वगैरह या पेंसिल इस्तेमाल करके, आज से बहुत पहले तख्ती का इस्तेमाल किया जाता था। जो तख्ती के ऊपर हम कलम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बोलते हैं दाल दा दवात। अब मैं आपको दाल की लिखाई के बारे में बताऊँ। सबसे पहले अपने नुक्ते से उसको गुलाई में लेके जाना है और सीधा बिल्कुल ले जाना है, और उसको फिर कव दे देना है। तो ये क्या है? दाल द। दाल द। अब दाल, अब आप बुक पे देखें, दाल दा दरवाज़ा, दाल दा दवार, दाल दा दरख्त। इनकी पढ़ाई करने के बाद आपने दाल की लिखाई करनी है।